जान दो जान दो। काम दिखाओ। ये जिप्सी के टुकड़े नहीं, मेरे दिल के टुकड़े। सबसे ऊपर से। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। और अभी हम उठ चुके हैं और अराउंड अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। और बहुत बुरी खबर है कि भाई धूप देखो कितनी ज़्यादा निकली हुई है। बर्फ़ तो है बट नत्था टॉप में, ऊपर बर्फ होगी बट जितनी धूप है तो बर्फ वो भी पिघल रही होगी। सो ये देखो पूरी ग्रीनरी है, हम वाइट स्नोफॉल देखने आए थे तो किस्मत तो ख़राब ही है बट स्टिल चलो। बाकी भाई लोगों का वेट करते हैं, देखते हैं भाई बाकी भाई लोग कब उठते हैं। तो फिर स्टे ट्यून्ड विद द व्लॉग। पहले भाई नीचे आ गए हैं, तीनों गाड़ियाँ आपको दिखा देते हैं। ये देखो ये है साहिल भाई गाड़ी, तरुण भाई की गाड़ी और ये अपनी सफारी। तरुण भाई का तो यहीं से बता देंगे हम और स्टार्ट करेंगे तरुण भाई। ठीक है भैया की फॉर्चुनर तो हो गई है कोल्ड स्टार्ट, जिप्सी अपनी हो रही है कोल्ड स्टार्ट, हो जाएगी अभी और अपनी सफारी को कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी सफारी को कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा, जिप्सी तो लेगी थोड़ा टाइम। तो अपनी सफारी भी हो चुकी है भाई कोल्ड स्टार्ट, लो जी जिप्सी भी हो गई है कोल्ड स्टार्ट, जिप्सी बंद हो रही है। तो फाइनली भाई सुबह हो गई है और हम अभी निकलने वाले हैं। वो देखो सफारी लगाई हुई है और ये भाई की जिप्सी और फॉर्चुनर। तो भाई सफारी के लिए लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई सफारी स्नो ड्राइव में कैसा परफॉर्म करेगी। ऊपर से सफारी ये 4x4 है, 4x2 की परफॉर्मेंस आपने फिर कभी देखी होगी बट 4x4 की तो कभी देखी नहीं। और इसकी ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी इंजन की साउंड बहुत ज़्यादा कम है। सफारी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, जिप्सी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, गाड़ी तीनों मज़े से स्टार्ट हो गई है। तो बस अभी निकलने लगे हैं यहाँ से और भैया जिप्सी निकालने लगे हैं। तो भाई बर्फ़ में थोड़ा बहुत सीन रहता है गाड़ियों को। ओ भाई जिप्सी बर्फ उठा उठा के फेंक रही है, निकाल दी भैया ने जिप्सी बाहर। तो मोड़ने लगे हैं, अब हम सफारी निकालेंगे। लो जी सफारी निकल गई है, तो अब मैं निकालूंगा सफारी। तो फाइनली भाई स्नो ड्राइव अपनी होने वाली है स्टार्ट और काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि देखो भाई गाड़ियों का काफिला भी काफी सही है, बाकी सफारी का आपको काफी मजा आएगा आज। देखो अभी 4x4 लो लगाया हुआ था हमने। तो भाई आलू परांठा सबके लिए आ गया, जोर लगाना गाड़ी फंस गई तो। साहिल भैया दो परांठे खाएंगे, साहिल भैया सबसे ज्यादा जोर लगाएंगे। एक बार भी लूंगा साथ में। इमरजेंसी कोट कलाड़ी कुलचा नहीं आ रहा, कलाड़ी कुलचा मंगवाया हुआ है, कर सॉरी कलाड़ी ब्रेड जल्दी आ जाए, कलाड़ी कुलचा भी सही होता है यार। तो फाइनली भाई लोग हम निकल गए हैं नत्था टॉप के लिए और काफी सही व्यू है यार, मजा आ रहा है। अपनी सवारी भी अच्छे से परफॉर्म कर रही है अपनी और ब्लैक आइज होने की वजह से थोड़ा थोड़ा गाड़ी स्किड कर रही है बट हम क्या कर रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी गियर में रख रहे हैं अभी। तो चलो चढ़ाई है तो इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा बट आगे देखो आप, आगे जा रही है जिप्सी हमारे आगे है और सबसे आगे है फॉर्चुनर। सो अभी यहाँ पे तो अंधेरा ही रहेगा, अब लाइट आ गई। सो बाकी यार मौसम और आइस, बाकी धूप गया तो इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा है और कांप रहे हैं हम। सो भाई अभी यहाँ पे हम जाम में फंसे हुए हैं और ये देखो कितने क्यूट क्यूट से रैपिड चलाया कुछ बस ये रहा। ओए ओए कितना क्यूट है ये। सो भैया को थोड़ी खतरनाक तरीके से लगानी पड़ेगी, हमने तो लाइन में लगा दी है तो क्योंकि यहाँ से गाड़ी है जो आगे जा नहीं पा रही, वापस आ गई है। इसका बंदा बन गया थोड़ा भैया, आगे जाएंगे नहीं, आगे गाड़ी जाएंगी, हाँ चलेंगी, हमारी नहीं जाएंगी। ये बात सुनो भाई, भैया कह रहे हैं कि अगर हमारी नहीं जाएंगी तो किसकी जाएंगी। तो लो जी ये फॉर्चुनर और पीछे सफारी अपनी, सफारी निकालते हैं अब यहाँ से।
भाई साहिल भी और तो आगे चले गए थे, बट भाई ये बंदे ने थोड़ी तेजी करने की कोशिश की ताकि मेरे से आगे निकल जाए, और उस चक्कर में उसने गाड़ी मार दी है, स्विफ्ट मार दिया उसके साथ, उस वजह से पंगा बन गया भाई। सो फाइनली भाई वी आर अबाउट टू रीच नत्था टॉप, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और मज़ा आने वाला है। बाकी ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है ना, इनकी वजह से हम लेट हो रहे हैं, ये स्किट कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारी तो बर्फ़ पाटती हुई जा रही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उस वजह से हमें थोड़ा लेट हो रहे हैं। बाकी गाड़ी आगे निकली, इसी साइड जाना था हमने या उस साइड जाना था? सीधा जाना था ना, फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे चाहिए बिल्कुल क्रॉलर यार, एकदम जो ऊपर चढ़ जाए गाड़ी, बट भाई जो भी कहो मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, सही है। लो जी खाने पीने का सिस्टम तो हमने अपना रखा हुआ है, छोटा मोटा थोड़ा, ये तो हम खाएंगे नहीं यार, ये पेट ख़राब कर देता है, इसलिए थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ मैं। तो भाई जन्नत, जन्नत दिखाते हैं आपको, ये देखो जन्नत भाई साहब, क्या व्यू है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है भाई। जहर बब्बू मान की फोटो लगाइए, लिखा हुआ जहर, चेकआउट करो भाई व्यू, चेकआउट करो, ठंड तो बहुत ज़्यादा है और भाई बर्फ ही बर्फ है यार। यहाँ पे चाहिए ड्रोन शॉट, प्रॉपर ड्रोन शॉट। अब हम कहेंगे, पीछे हमारे आ रहे हैं तरुण भाई, उनको कहेंगे कि ड्रोन शॉट ले लो यार एक दो, क्योंकि ड्रोन शॉट में गाड़ी इतनी मस्त लगेंगी ना, तीनों गाड़ियाँ मतलब अब अब दस ऊपर लगेंगी, बड़ी खतरनाक। तो कुछ करते हैं भाई जुगाड़, ड्रोन शॉट के लिए बोलते हैं भैया को। तो भाई क्या सीन है कि अभी हम यहाँ पे लोकेशन पे तो पहुँच गए हैं, और ये हमारी गाड़ी है, आप देख सकते हैं ये सफारी लगी हुई है, सफारी से भी हम ये वाला करेंगे प्रॉपर, ये वाला यहाँ से ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट फंस जाएगी जिप्सी, क्योंकि अगर सबसे पहले सफारी फंस गई ना भाई, सफारी का बहुत ज़्यादा पंगा बन जाएगा, सफारी निकलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी है, तो उस वजह से हम पहले करेंगे इसको जिप्सी से, जिप्सी के बाद चाहे सफारी या फॉर्चूनर, दोनों में से एक अगर जिप्सी कर गई तो स्नो चेन भैया ने निकाल दिया, स्नो चेन लगाएंगे अभी टायर्स पे, तो एक बार स्नो चेन लग गई उसके बाद जिप्सी लेके जाएंगे, बंजी से भी अपन काम चला लेंगे। तो स्नो चेन लग रही है भाई अब तो स्नो चेन के बिना ही लेके जाएंगे हम सफारी, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है। इससे पहले क्या है कि ज़्यादातर सफारी 4x4 हमने कहीं यूट्यूब पे देखी नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने इस पर कोई ऑब्स्टेकल देखे नहीं होते हुए, बट अभी भी इस पर कम रीच है, आई डोंट नो वाई। तो अभी आज तो इस पर प्रॉपर काम होने वाला है, सबसे पहले हमने, आपने ऑफ रोड तो काफ़ी ज़्यादा देख लिया, अब आपको स्नो ड्राइव दिखाते हैं कि सफारी कैसा परफॉर्म करती है स्नो में। पावर तो आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में, उतना ज़्यादा कोई स्ट्रगल कर नहीं दी गाड़ी, हर कोई टैरन बहुत आसानी से कर रही है, तो अभी ये वाला टैरन पहले कहेंगे। साहिल भैया पता नहीं कि मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे नीचे ड्रेनेज है, बट भैया कह रहे हैं कि नहीं है, तो एक बार चेक करेंगे, अगर तो ड्रेनेज की गाड़ी यहीं पे बैठ जाएगी, फ्रंट टायर ही बैठ जाएंगे, तो हम यहीं से पीछे से टो करके गाड़ी को पीछे निकाल लेंगे। तो आगे देखो भाई बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से गाड़ी ऊपर जाने की सोच रहे हैं हम, लेट्स सी कितनी दूर तक पहुँचती है। तो अभी लग रहे हैं स्नो चेन, तो क्या होता है इसके लिए पहले आपको गाड़ी एक पत्थर पर चढ़ानी है, उसके बाद इसको स्नो चेन लगाएंगे, जब स्नो चेन लग गई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को मजा आ जाएगी। बंद करने के बाद एक स्नो चेन फिट कर लिया, बेसिकली पहले हमारी टेक्निक गलत थी, बिना एफर्ट का काम नहीं है, कैलोरीज नहीं बर्न की हैं, इधर हालत देखो ना। अच्छा शर्ट कपड़े भी गंदे हो गए, हां तो बन जाएगा। जैसे भाई थोड़ा क्लोज में आके, आप उधर चल, नहीं है कि यहाँ पे ड्रेनेज हो सकती है, और ड्रेनेज की वजह से बड़ा पंगा है, बस उधर पार चलेगा, ड्रेनेज का बहुत पंगा है, और सफारी से। सो भैया अभी निकालने लगे गाड़ी, तो भाई मैंने लिए हुए शूज़, तो मैं सोच रहा हूँ शूज़ पहन ही लेता हूँ, वाई टेक रिस्क विद दिस वाइट शूज़ व्हेन यू हैव स्नो शूज़, व्हेन यू हैव स्नो शूज़ वाई टेक रिस्क विद दिस वाइट शूज़। सो भाई स्नो चेन की मदद से काफ़ी, ओहो पीछे आन दो, तो स्नो चेन की मदद से काफ़ी ऊपर तक आ गई है, ऊपर देख लो पहले कितना डेप्थ है, क्या लूज होगी। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन कि ये वाले शूज डाल लेने का, लेने का देखेंगे, तू जो बोल रहा था ना कि हम बर्फ जैसे, रिएक्शन चेक करा, रिएक्शन बैठ ही गया बर्फ पे और गिल्ली हो जाएगी। मकान के पास पहुंचना मुश्किल है, यहाँ से थोड़ी सी आगे जा पाएगी। पीछे, पीछे, पीछे। एक सेकंड वेट करो, उस साइड की स्नो चेन ढीली होगी। सो भाई जैसे ही पता चल जाता है, जैसे ढीली हो जाती है ना, ये काफी ज्यादा
आवाज करती है। हाँ बिल्कुल, देखो ना टायर पूरा छोड़ गई है वो, आगे से खुली गई है मेरे ख्याल से। खुली नहीं है, उस पे ही है भैया, इसको सेंटर में करो। हमें पागल कुत्ते ने काटा, हम क्या कर रहे हैं? उनसे पूछो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज की कोई सेंस है? वो वीडियो बना के बोल रहे हैं ये देखो पागल हो गए हुए हैं। भैया आपको पता है हम जहाँ भी जाते हैं ना, जो भी ऑडियंस देखती है वो कहते हैं एक ये साले पागल कहाँ से आए। भाई पीछे कर लो वाला अटेम्प्ट, भाई बैक में बैक गियर में अटेम्प्ट होने वाला है, जिससे कि काफी ज्यादा मदद हो जाएगी गाड़ी को, क्योंकि ये काफी पीछे तक आ जाएगी, उल्टी आएंगे ना तो काफी ज्यादा पीछे तक जाएगी। साइड हो जा तो उससे करो। ओ भाई साहब नहीं उतरी नहीं है, डिली हुई है, डिली होगी। जान दो जान दो जान दो जान दो। नुकसान दिखाओ रजत भाई, नुकसान दिखाओ। ये जिप्सी के टुकड़े नहीं, मेरा दिल के टुकड़े हैं। ये जिप्सी का यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। कल ये नया डलवाया था, ये यहाँ से यहाँ पर भैया ने फिर से तोड़ दिया। देखिए ये तो महंगे वाला, ये टूटा, पीछे से कम टूटा, यहाँ से टूटा। चेन काफी लूज हो गई ना, आप सुन ही नहीं। ओह शिट, यहाँ से टूटा भैया। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अब थोड़ा बुरा लग रहा है भैया ने सोचा था ये वाला टूटा इसका काम। गाइस मैंने जितना ट्राई करा था आप कर लिया, बाकी गाड़ियां ट्राई करेंगी और मैं शो देखूंगा। चलो बराबर ऐसे करना, शीशा नीचे कर। हां आने में उस साइड कर, उस साइड अपनी साइड रखना, अपनी साइड आने दे, आने दे, आने दे, बस ऐसे आने दे सीधी बाहर है। एक सेकंड टेढ़ा जाएगा थोड़ा, थोड़ी आगे कर, थोड़ी आगे कर। सीधा आने दो, चलाने दे सीधा, अब सीधा आने दो सीधा। भैया तो धुप होए, गर्मी लग गई। आने दे आने दे आने दे, बस दूसरी तरफ काट, दूसरी साइड, इस साइड बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, पूरी 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 पूरा बाहर निकाल, पूरा 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 पूरा। आगे जान दे थोड़ा, आगे बर्फ आ गई होगी। चलाने दे, तो अब देखिए वो नीचे उतर गई। पापा चल, क्यों नहीं देखना दूसरी साइड? भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया यार बांधना चेन, पसीनों पसीना हो गया हम, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तरुण भैया ने क्या किया था कि पिछले दोनों वाले रेयर टाइप को बांधे थे, हमने क्या किया क्रॉस बांध दिया, क्रॉस में पावर जो है वो क्रॉस में पावर डिवाइड हो जाएगी गाड़ी में, तो देखते हैं क्या मजा आता है। हमने क्या करा है इसको, क्रॉस केबल हमने, स्नो केबल भी हमने क्रॉस लगाई है, एक लगाई है पीछे और दूसरी तरफ लगाई है हमने ड्राइवर साइड इस साइड। तो अब ये देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती है। तरुण भैया आ जाओ, ये टायर पे पूरी बराबर आई है। मैं क्या ना आंदे हो भैया, अगर बर्फ नहीं होती थी उसे वाके यार। नहीं नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, रुक जा मियां आगे जाई लेंदे। मेरी तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई, कपड़े सारे मेरे। सो भाई ये देखो, ये चीज देखो भाई, ये यहाँ पे देखो कितनी दा... अरे वाह, सबसे ऊपर चलेगी गाड़ी।